अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राम सीता की जोड़ी मिल गई। तुम दोनों को स्वयं प्रभु ने अपनी छाया के रूप में स्वीकार किया है। तुम दोनों की जो भी मनोकामनाएं हैं आज पूरी हो जाएंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कोई राम सीता नहीं बनना चाहते हैं। ये तो बस इनके चाहने से क्या होता है। वही है सोई जो राम रची राखा। जो कुछ भी तुमने मन में ठानी है वो प्रभु कृपा से सब पूरी हो जानी। तुम्हारा क्रोध देखकर यह प्रतीत होता है कि तुम पर लक्ष्मण जी की छाया है, इसलिए तुमको भी नमन। जय श्री राम। वही है सोई जो राम रची राखा। दीदी ये सब क्या था? पता नहीं, चलते हैं। हाँ, वैसे भी आज का दिन तो काफी बड़ा होने वाला है और बहुत मजेदार भी। नींबू पानी लेकर आ। जी मैडम जी, अभी लाए। आज हमारा माथा भिनभिना रहा है। उह, क्या बात है लाली, तुम काहे को इतना गुस्सा कर रहा है? हाँ मॉम, क्या हुआ आपको? नानी बता रही थी कि आप डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाली हो, फिर आप वापस क्यों आए? नहीं गई ना, क्योंकि डैड को जरूरी काम से पटना जाना पड़ा, इसलिए मंदिर से वापस चले आए। ये लीजिए मैडम जी, आपका स्पेशल ड्रिंक। बुनिया, सबसे पहले जाओ और रस्सी को हटाओ यहाँ से। हमें नहीं देखना हमारे घर का बंटवारा होते हुए। जा। लाली, ये रस्सी तो जामाई बाबू अपना हाथ से बांधा था, तुम उसको उखाड़ देगा तो जामाई बाबू गुस्सा करेगा। नानी इज राइट मॉम, डैड को अगर पता चला ना तो बहुत गुस्सा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इस घर की मालकिन हम हैं और हमारे घर में किसी और के रहने की कोई जगह नहीं। दुनिया खड़ी क्या है? क्या कहा मैंने? हटाओ रस्सी को। जी मैडम जी। सुनो, हमें हमारे घर में कोई बंटवारे की लाइन दीजिए। जी मैडम जी। अरे क्या कर रही हो? रस्सी काहे खुलवा रही हो? ये तो गुडवा ने बराबर का बंटवारा किया है। अम्मा जी, अभी आपके गुडवा का घर नहीं है, ये ललिता मिश्रा का घर है और हम हमारे घर में किसी की वजह से बंटवारा नहीं चाहते।
अम्मा जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि घर में एक रस्सी बांधने से दिल की दूरियां खत्म नहीं होती। जब दिल की दूरी खत्म नहीं हो सकती तो सब एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? हम कह नहीं रहे अम्मा जी, बता रहे हैं। आज के बाद मिश्रा जी की सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस अब हमारे नाम पे। तो ये मिश्रा जी का घर नहीं, हमारा घर है, और ये सब गुड्डू जी ने प्यार से किया है हमारे नाम पे, क्योंकि गुड्डू जी ललिता से बहुत प्यार करते हैं। और इस ललिता निवास में हम नहीं चाहते कि कोई रंजू मिश्रा यहां पे रहे, इसलिए आपको ये घर छोड़ के जाना होगा। घबराइए मत, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। आपको पूरा टाइम देंगे, ना तो आपको धक्के मार के बाहर निकालेंगे, ना ही तो आपका सामान उठा के फेंकेंगे, पूरा समय देंगे। और आप लोगों का वक्त शुरू होता है अब, कल सुबह तक हमारा घर खाली करके आप लोग को जाना होगा। मुझे नहीं मालूम, बस हमारे घर में नहीं रहोगे, ये तय। ऐसे कैसे चले जाएंगे? तुम कौन होती हमको निकालने वाली? हम कुटवा से बात करेंगे पहले। कितनी बोली है ना आप अम्मा जी। आज भी हमारे सोना बाबू में अपने गुडवा को ढूंढ रही है। गुड्डू जी यहाँ नहीं है, जरूरी काम से पटना गए, कल शाम को लौटेंगे, और उनके आने से पहले हमारा ये घर खाली करना है, और ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर है, बड़ी आई ऑर्डर देने वाली। हम कोटवा से पहले बात करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा जी, अम्मा जी आप चलिए, चलिए ना आप। लाली का घर तो अपना गुडवा का घर बताने वाला। अरे थोड़ा देर में ना तुम्हारा सारा एकड़ निकल जाएगा, पूरी खुशबू। आखिर नागिन ने अपना रंग दिखाई दिया, माने तो गुडवा को, वही इसका चेहरा निकालेगा। अम्मा जी शांत हो जाइए, हमने आपसे पहले भी कहा था ना कि ये घर हमारी बच्चियों की परवरिश के लिए सही ना ही है, और केवल इनके लिए नहीं, आपकी तबीयत के लिए भी ये रोज रोज का खिचखिच अच्छा नहीं। अम्मा जी हमको तो पहले ही मालूम था, इन माँ बेटी की हमरे बेटे की जायदाद बनना जा रहा है। अब देखो अपने मकसद में कामयाब हो गई ना। अब कहाँ होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? अम्मा जी आपको हम पर, हमरी काबिलियत पर, हमरी हिम्मत पर भरोसा है ना। इस घर के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया अम्मा जी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, दो रोटी तो कमा ही सकते ना हम। और वैसे भी अम्मा जी आज रामनवमी है, जो होगा अच्छा ही होगा। बहुरिया हमें तुम्हारी हिम्मत पर पूरा भरोसा है,
वो तो तुम औरत जाती ना, अब याद है ना, इससे पहले भी कोशिश की थी, फिर क्या हुआ था अंजाम? हमें कुटवा से बात करनी जरूरी है। अम्मा जी फिर आप गुस्सा हो रही हैं। मुस्कान अम्मा जी के लिए पानी लेके आओ। हमें पानी नहीं चाहिए। तुम मंदिर गई थी ना, प्रसाद कहाँ है? हमको प्रसाद दो। अरे ये तो मंदिर की चुनरी है ना, तुम्हारे पास कैसे? ईश्वर की कृपा से आप दोनों की जोड़ी राम सीता के जैसी बनी रहे, ये चुनरी प्रभु का आशीर्वाद है। ये तो जोड़ों को पंडित जी प्रसाद के रूप में देते हैं। ओ अम्मा जी, पंडित जी ने गलती से हमें दे दी। हे बहुरिया, राम जी के दरबार में कोई गलती नहीं होती है। अरे वहां तो गलती सुधारी जाती है। दीदी यहाँ का कार्यक्रम ना हम अकेले ही संभाल लेंगे। ठीक है, लेकिन बुलबुल तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना कि तुम किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी? हाँ दीदी, हमें हमारा प्रॉमिस याद है, हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन पैर की गारंटी नहीं लेते। हाँ बुलबुल, शालू जी हमें एक बात बताइए, आप अपनी इस दारा सिंह जैसी बहन को संभालते कैसे? बचपन से संभालते आ रहे हैं उसे भी और उसके गुस्से को भी। हाँ लेकिन हमारी बुलबुल हमेशा सही बात पर ही गुस्सा करती है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। अरे काम खत्म होने से पहले थैंक यू खर्च मत कीजिए अपना, अभी आइए बहुत काम बाकी। बहुत खुश है, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा रोग रोग में ना हमारा खून बह रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया, ये पूरा प्रॉपर्टी अपना नाम कर दिया। जामाई बाबू ना वो बूढ़ी के संग ना कभी कभी बहुत कमजोर पड़ जाता था, अब ना चाह कर भी उसको कुछ नहीं दे सकेगा। शाबाश मदर लाली, शाबाश। यस मॉम, यू आर रियली जीनियस। वैसे हम भी आपके बेटे हैं, आज हम दोनों ने भी है ना एक कारनामा किया है। तुम लोगों ने कौन सा कारनामा किया? वो मां हम बताते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दो लफंगे जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की थी। आप गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। एक मिनट, तुम बेवकूफ हो ये तो हम जानते थे, पर इस दर्जे के बेवकूफ ये हम नहीं जानते थे। लकी विकी मिश्रा जी के बेटे हैं, उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस देश में सभी लोगों के लिए एक ही कानून है, और जुर्म करने वाला सिर्फ एक मुजरिम होता है, किसी का बेटा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, खबरदार, जो हमारे बच्चों को हाथ भी लगाया तो एक फोन करेंगे ना तो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के किसी मॉल में चौकीदार की नौकरी कर रहे होगे। देखिए मैडम, ये धमकी किसी और को दीजिएगा, हम ईमानदारी से नौकरी करते हैं, हमें इनको अपने साथ ले जाना होगा, इनके खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई। तो कंप्लेन वापस ले लीजिए, इसी में आप सबकी भलाई है, वरना ऐसा हाल करेंगे ना। क्या बात है ललिता जी, Thank you.
किसको धमका दिए आप? आप आ गए मिश्रा जी, सब क्या हो रहा है हमारे घर में? सुना बाबू, आप तो पटना जाने वाले थे ना? हाँ, पटना जाने वाले थे, वो मीटिंग कैंसिल हो गई तो हम तुरंत घर वापस आ गए। लेकिन घर में क्या तमाशा चल रहा है? तमाशे का जोकर तो ये है, यही बताएगा ये सब कुछ क्यों कर रहा है। एक आप है जो बच्चू पांडे के बारे में भला सोचते रहते हैं, और ये है बच्चू पांडे का बेटा, हमारे लक्की विक्की को अरेस्ट करने के लिए पुलिस लेकर आया है। अरे ये तो बच्चू पांडे का बेटा है, पर पुलिस कहाँ ही लेके आया है? हाँ भाई, हम तो तुम्हें बहुत काबिल समझते थे। ऐसा कहाँ हो गया कि बात इस नौबत तक आ गई है? चाचा जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने बिना किसी वजह के हमसे मारपीट की, और पुलिस के पास जाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और कोई रास्ता नहीं है इसका क्या मतलब है? हम तो थे, हमसे तो बात कर सकते थे ना? माफ कीजिए चाचा जी, आज से पहले कई बार इनकी शिकायत आपके पास आई, और आपने हमेशा इनका फेवर किया, और इस बार भी आपके पास आने का कोई मतलब नहीं था। तो आज भी तो ऐसा हो सकता है? कहा इंस्पेक्टर, हमारे बेटे कॉलेज स्टूडेंट है, कोई हार्ड कॉर क्रिमिनल नहीं। इतनी मामूली सी कंप्लेन पर आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं, आप एक काम कीजिए, ही लो तुम्हारे ड्यूटी का फीस, और इस बात को रफा दफा कर दो। माफ कीजिएगा मिश्रा जी, हमें इतनी सैलरी मिल जाती है कि हमारे परिवार का खर्चा चल जाता है। इन दोनों के खिलाफ हमारे पास कंप्लेन है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे ओ इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बेटों को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई सबूत है? कोई गवाह है? हमारे पास एक गवाह है। शालू ने लक्की विक्की को हमारे साथ मारपीट करते हुए देखा है, आप बोल सकते हैं। क्या आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि लक्की विक्की ने विशेष पांडे के साथ मारपीट किया? हमने लक्की विक्की को विशेष सर के साथ सरेआम मारपीट करते हुए देखा है।